हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन दर्शन। पता सब लोग कैसे हो, ओके अच्छे हो, ठीक हो। तो गाइस अभी मैं हूँ दिया के घर। दिया उधर चिकन उड़ रही है, उसका घर नहीं है, बोल रही है उसका घर नहीं है तो उसका अंकल का घर है, तो अंकल के घर में रहती है वो। तो उसके पास आया मैं, कॉल आया, व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतना आवाज़ आ रही थी। पूजा चल रही है, दुर्गा पूजा चल रही है, जिसके वजह से बहुत आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से। तो मैं इसके वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो पक्का 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। पता नहीं ये व्लॉग भी कब डालूँगी मैं। तो चलो अभी वो बनाएगा, वो नहीं मैं बनाऊँगी चिकन। वो तो सब कुछ कर रही है, मसाला और क्या बोलती है, चिकन धोया, धो के रखा और मसाला सब कुछ वो सही किया। मतलब मैं सिर्फ आग में डालूंगी चिकन को तो चलो चलते देखते रहो व्लॉग को। ঠিক আছে। তুমি যেরকম খাও আমার কোনো ব্যাপার না, আমি এমনি তেল মশলা বেশি খাই না। তুমি যেরকম খাও, তোমার জন্য রান্না তুমি করো। লঙ্কা আর গুঁড়ো দেবো, তাই না? হুম, সব এর ভিতরে। প্রকাশ দা ভিডিও পাঠিয়েছে তোমাকে। ঠিক আছে, আজকে তোমার হাতে রান্না খাবো। এটা ধীরে করো। তুমি এভাবে করো তো? আমি করতে পারি না বললাম না, আমি ওই উল্টো পাল্টা করে দিই। এই যে লঙ্কা গুলো কাকিমা করে দেয় না, নাহলে আমার হাত জ্বলবে। লবণ কোথায়? আমি আমি আমার রান্না পুরোপুরি আলাদা, বুঝতে পেরেছো? তো এরকম করে আমি করি না। এটা লম্বা করে নেবা। হুম, রূপাদি চিকেন মা খাচ্ছে। তোমার এই অভিজ্ঞতা ভালো না? হ্যাঁ ভালো, ওরকম লাগছে তাই ভীষণ ভালো। হ্যাঁ রং হচ্ছে, আর একটু দাও নাই, ভীষণ ভালো। আর একটু দিলে গন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু ভীষণ ভালো হলুদ দাও, পরে কালার আসবে দেখবে কিরকম। তেজপাতা নেই? হ্যাঁ সবই আছে, ব্লক টপ করে তেজপাতা তেজপাতা গুলো বার করে দেবো। এ দেখো রুম্পাদি চিকেন বানাচ্ছে। না আমি এত সুন্দর রান্না রুম্পাদির মতো করতে পারবো না। খুব সুন্দর রান্না হচ্ছে। দেখো রূপালী চিকেনটা নাড়ানাড়ি করছে। আজকে চিকেন খাইয়ে আমাকে কাবু করে দেবে, এই ঝালটা একটু অল্প করে দিও, আমরা চলে যাই চলে যাই আমরা চলে যাই। দেখো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি করে দিল, মানে ভীষণ লঙ্কা খেতে ভালোবাসে, যার কারণে এত লঙ্কা দিয়েছে। দেখো এই রুম্পাদি রান্না করতে করতে হালটা কি অবস্থা হয়েছে,
এমনি মেয়েটা খুবই ভালো কিন্তু রান্না করছে তাই জন্য তাই জন্য হালটার এই অবস্থা। ये मेरी जान है। देखो चिकेन मारे आबार आमार रूम बोलो काकी रूम आमार रूम ना आमार बाड़ी ना एटा आमार काकी बाड़ी। ভোগে যে কালকে যাবে না এদিকে দেখা হবে চিকেন যাব তো কাল চিকেন হো গিয়া মানে না মে থোড়া এ ঝোল বেঙ্গলি মে ঝোল বলতি হে মে থোড়া জাদা রাখতি হু কিউকি মুঝে ইয়ে শেরওয়া জাদা পছন্দ হে হার সারে সালাদ মে শেরওয়া জাদা পছন্দ করতি হু মে কষা কষা করে দিই হু ঠিক আছে ঠিক আছে ঝোল পাঙ্গ প্রবলেম হবে না তো ঝোল ভালো লাগে খেতে তোমার আমার ঝোল ভীষণ ভালো লাগে তাহলে থাকুক তাহলে আমরা দুজনেই খাবো এতগুলো ঝোল রাখলে মানে এত দুনিয়া পুড়ে যাবে ও আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই তো হোক বক অফ করে দেব না আমি তো বলি তো গাইস মে ज्यादा শর্বা খেতে মুঝে বহুত পছন্দ হে ইসলে ज्यादा রাখা বহুত আচ্ছা হে আর একটু হোক অফ করবে এবার तो गाइस ये रेडी हो गया चिकन देखने में कैसा लग रहा है पता नहीं है आप लोग कमेंट करके बताओ और खा के पता नहीं कैसा लगेगा क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बनाया आप लोगों को पता है मैं घर पर भी खाना नहीं बनाती हूँ तो आज बहुत दिनों के बाद मैं खाना बनाया शायद आर्यन रहती तो बहुत अच्छा बोलती क्योंकि मैं आर्यन के लिए जितने बार खाना बनाया ना मेरे घर में सब लोग बोला अच्छा नहीं है लेकिन आर्यन हर सारे चीज़ को बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है वो तो मेरा हाथ का खाना बहुत पसंद करती है तो चलो ये हो गया कंप्लीट हो गया अभी थोड़ा नहाना है नहा के फिर आती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए टाटा। तो अभी खाना लेके बैठ गया क्योंकि खाना खा के जल्दी हम लोगों को निकलना है बाहर के लिए तो बाहर निकल भी गया रेडी हो गया एक घूमते तो चलो एक मासी के घर जाने के लिए निकला बाहर नहीं तो आज बाहर ही नहीं निकलते क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही है तो अभी जा रही हूँ गोबरडांगा स्टेशन पे हूँ अभी टिकट लेने के लिए जा रही हूँ दिया तो टिकट लेना नहीं चाहती है बोल रही थी कि पूजा के टाइम टिकट मत लो लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं ले सकती एक 10 रुपया के लिए मैं 200 रुपया नहीं दे सकती तो इधर से टिकट ले रही है दिया तो ट्रेन है 7:13 शायद अच्छे से याद भी नहीं है तो ट्रेन पे उठ भी गया इतना सारा भीड़ है वो माय गॉड क्योंकि पूजा के टाइम है और आज भी जाया लास्ट पूजा के दिन तो जा रहे हो चलो मेरे घर पे मुझे अच्छा नहीं लगती है 2-3 दिन रहती हूँ फिर मैं निकल जाती हूँ कोई दोस्त के घर तो मैं सोच रही थी कलकत्ता पे एक रूम रेंट पे ले लूँगी कभी कभार उधर जाके रुकूँगी मतलब एकदम कंटिन्यू नहीं रुक सकती क्योंकि मैं फिर घर छोड़ कर ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकती तो यही सोच रही थी कि 3-4 दिन कलकत्ता पे रुकूँगी फिर कलकत्ता से 3-4 दिन के बाद घर आके घर रुकूँगी ऐसे ही करूँगी क्योंकि हर रोज़ दोस्त लोग के घर जाना भी कैसे की लग रही है तो आज बोला था ना शुभ विजया है आज तो विजया का दिन सब लोग ये विसर्जन देने के लिए जा रही है तो इस साल तो मैं एक भी पूजा नहीं देखा इतने करीब से भी नहीं देखा अभी देख रही हूँ मैं पहले भी बताया था कि मेरे लिए कोई पूजा नहीं है क्योंकि कोई खुशी आई मुझे मेरे अंदर नहीं है पहले जो बचपन में था जब तब बहुत अच्छा लगती कि पूजा दुर्गा पूजा आ रही है दुर्गा पूजा आ रही है एक मंथ पहले से ही मतलब इतना खुशी रहती तो वो खुशी और नहीं है मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है तो इधर रुका इधर से एक टोटो पकड़ना है फिर टोटो पकड़ के जाना है एक टोटो पे आया उसमें थोड़ा रुका फिर दूसरी जगह से और एक टोटो पकड़ना है क्योंकि गोबरडांगा से बहुत अंदर उमासी का घर जिधर जा रही हूँ हम दोनों मिल के तो चलो चलते 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 बात करती है रास्ते में बहुत ज़्यादा जैम है क्योंकि ये जो विसर्जन
देने के लिए जा रही है ना, उसके वजह से बहुत ज़्यादा जैम हो रही है रास्ते में। सारे के सारी ये दुर्गा मूर्तियाँ नहीं दे रही है विसर्जन, कुछ कुछ दे रही है। इधर तो अच्छा पूजा चल रही है, देख रही हूँ, दूर से देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आ गया मासी के घर, मासी को बुला रही थी। आप एक दो घंटे के लिए आया था मासी के घर, लेकिन मासी इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा बर्ताव किया, बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा मासी के घर आके। तो जाते वक्त बोल रही थी बार बार फिर से आना, मैं बोला हाँ फिर से आऊँगी अगर ये रास्ते पे आऊँगी तो, क्योंकि मैं इधर साइड बोनगा के लाइन पे ज़्यादा नहीं आती हूँ। घर से खाना खाया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, तो अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे निकलना है इधर से घर के लिए। पूरी रात भर नहीं सोया, आज के लास्ट दिन था, पिज्जा का दिन था, तो आज थोड़ा घूमा। अभी इधर से निकल रही हूँ, दिया के रूम पे जा रही हूँ क्योंकि उधर से मुझे सुबह निकलना है। तो चलो चलते, जाके वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि फोन पे चार्जिंग नहीं है। तो गाइस अब बैरिए पड़े बाड़ी दिखे जा, सॉरी मेरा तो हिंदी ब्लॉग चल रही है। तो अभी टाइम हो गया 3 बज रही है, तो घर पे जा रही हूँ, ये नहीं जा रही है, बहुत लेट हो गया था, मैं सोच रहा थी मैं नहीं जा पाऊंगी। ए गाड़ी आस्ते से अभी है बामनगंज स्टेशन पे, तो इधर से जाना पड़ेगा सियालदा, सियालदा होकर ही जाऊंगी क्योंकि इधर साइड से बोनगा से बहुत दूर रहती है इसकी वजह से। और मेरा एक दोस्त है मेरे घर के बाजू में रहती है, वो भी सेम टाइम पे यही टाइम पे जाती है घर पे। तो मैं उसको कॉल किया था, बोला कि ठीक है चलो सियालदा से मिल के घर में चलेंगे, क्योंकि मैं अकेली जाऊंगी और रात हो जाएगा, मुझे मतलब कोई रहे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए उसको कॉल करके बताया, वो बोला दमदम उतर के जो ट्रेन बोला वही ट्रेन पे उठने के लिए टाइम, जो 5:16 को छोड़ते हैं सियालदा से, तो वही ट्रेन मुझे दमदम से पकड़ना होगा। तो इधर दिया आया था मुझे आधे रास्ते को छोड़ने के लिए, तो वो अभी जा रही है और मैं आ गया दमदम पे। और ये है मेरा दोस्त, तो मेरे घर के बाजू में घर है, वो भी यही ट्रेन पे हर रोज़ जाती है, तो मैं भी वही सोचा था कि इसके साथ ही चला जाऊँगी। मैं जब भी कलकत्ता पे आती हूँ तो इसके साथ चली जाती हूँ घर पे, क्योंकि रात हो जाती है ना इसलिए। तो आज का ब्लॉग इधर था कि सब लोग अच्छा रहना, खुश रहना, टाटा।